ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया दिस इज बिग हिट मतलब बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की 400 हंड्रेड बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है अच्छा इसमें इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 हंड्रेड बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री और मजे की बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें कि इंडिया की जो बाय जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई है और ये एक बहुत बड़ा अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है अब उनके पास एक बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सके क्या पाकिस्तान मुस्लिम uh, ब्रदर्स को मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे ये है वो क्वेश्चन जबकि आप तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा आगे पूरा वीडियो देखने को मिलेगा वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान बात कर रहा है कि मतलब भारत ने जो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है इसमें आई सेक्टर का जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्लूड नहीं है तो आप समझ सकते हो ये मतलब भारत ने पहली बार फोर बिलियन डॉलर का नंबर क्रॉस किया है डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है प्लीज वीडियो uh, के लास्ट में मैं बताऊँगा कि कौन सा देश नंबर वन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया दिस इज बिग हिट मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटी उनकी एक्सपोर्ट्स की 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है अच्छा इसमें इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ़ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव इट्स टारगेट फॉर फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री और मजे की बात यह कि मैं आपको ये बताऊँ कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो टू टू बिलियन डॉलर्स था और इस साल 400 बिलियन डॉलर कितना बड़ा जंप लगाया और इसमें यह भी बात है कि ये कोई यह नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से नो ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये इसमें आई की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है तो ये एक बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हो तो अच्छी बात है मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर पैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है उनके जो तीन चार साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते हम देख लेना किस किस्म के में कामों में हम फंसे हुए और कहाँ हम तो हमारी एक्सपोर्ट्स इसी को आप देख लें जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की तजारत की कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए हैं लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी हमने नहीं किया हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई ये इन्होंने किया हमारे साथ हम तो ये नहीं करेंगे हम तो ये करेंगे हम तो वो करेंगे वगैरह इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए ये सब जो है ये अब हमें पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में या ये कि जाहिर है कि आप समझते हैं कि एक दो तीन दिन होंगे हमें पता चल जाएगा वहाँ पर नहीं जा रहे क्यों नहीं जा रहे ये सब डिटेल्स भी सामने आ जाएंगे क्या ये वजह थी कश्मीर पे बात करने की क्या पाकिस्तान उसमें शामिल था पाकिस्तान की वजह से नहीं गई या फिर ये है कि वो उसके बाद उनका विजिट जो है वो आगे चला गया और फिर ये भी कि जो उनका फ़र्दर प्लान है लॉन्ग टर्म प्लान क्या उसके ऊपर काम हो रहा है या दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे ये सिर्फ जो है इंडिया की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा लेकिन वो जो मैंने बात की कि पॉजिटिव इसलिए है कि इससे जंग जो है उसका खतरा टल जाएगा यानी कि है कि है फिर जो तवज्जो है वो ऐसे कामों की तरफ होगी कि हम तरक्की करें आगे बढ़े मिलकर इस तरह के जो है आपकी ट्वीट से जो है वो कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई है और ये एक बहुत बड़ा अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बत्तीस अरब डॉलर पे है अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए हम आपको ये इन्वेस्टमेंट देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहे लेकिन उनके लिए वहां पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीजों का तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है मैंने ये नीके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में, में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था अभी वो चार अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं अब मुझे ये बताए एक तरफ पाकिस्तान बत्तीस अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें वो बोलते हैं साढ़े जेडे वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है विचारों के ऊपर हमारे जो आ, जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है बत्तीस अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी सिंपल सी बात है वो 400 अरब डॉलर वाले तो कि आप फाइनेंशियली तगड़े, तगड़े हैं आपकी गेम अच्छी है आपकी पोजिशन जबरदस्त है तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मोह लगाएंगे ये एक हजारी बात है एक सवाल है मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें आ, समझने की कोशिश करनी चाहिए अच्छा अब आ, एक तरफ हमने ये देखा कि जो आ, जो सऊदीज़ या अरबी हैं वो वहाँ पे आ, ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की और और जो प्रोमिसज हैं वो भी किए और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि Uh, साथ खड़े हो कश्मीर के मसले में लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर आपको याद होगा जब एम बी साहब जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब जब गए सऊदी अरब गए तो उन्होंने कहा है कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप आप पाकिस्तान का सफीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर जारी बात है सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं आ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान आ, मुस्लिम ब्रदर्स को मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे ये है वो क्वेश्चन जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप ओआईसी का इजलास को ला रहे हैं आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं क्योंकि देखे वो वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है हम कितने जोगे और हम आपके अंदर कितनी धराड़े डाल सकते हैं अपने तो और जारी बात है किसका ज्यादा अच्छा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा जिसके पास रिसोर्सिस अच्छे हैं जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग ज्यादा होगी जिसको दुनिया सुनेगी आप देखे ना कि आज इंडियंस हैं वो चाइनीज को प्रेशर डाल रहे हैं चाइनीज इंडियन को प्रेशर डाल रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि हमारा मामला जो है वो एक सख्त कंपटीशन में इंडो पैसिफिक में होने वाला है या हाल ही में जो अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जो एक विजिट हुआ था इंडियन ओशन के ममालिक में चाइनी इंडियन बैकयार्ड में वहां पे मामला खराब होने वाले हैं तो चाइना ये समझता है कि हमें शायद मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखने की जरूरत है या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ज्यादा ज्यादा एंगेज होने की जरूरत है तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था कि भारत ने फोर बिलियन डॉलर का एक नंबर क्रॉस किया है और ये इसमें आई सेक्टर का इंक्लूड नहीं है जो एक्सपोर्ट होता है तो आप समझ सकते हो आईटी सेक्टर का अगर इंक्लूड करेंगे तो लगभग साढ़े छः सौ हो जाएगा तो आईटी सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा तगड़ा हाथ है उम्मीद करते हैं कि उसको और भी बढ़ाएं तो आप समझ सकते हो दोस्तों ये नंबर फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर है इसमें बेसिकली जो एग्रीकल्चर है रिफाइनरीज़ है ऑयल क्रूड ऑयल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मतलब जो दूसरे देश हैं जैसे वहाँ से कच्चा तेल आता है तो उसको हम रिफाइन करके उसमें से हम पेट्रोल डीजल निकाल कर एक्सपोर्ट करते हैं मतलब उनका एक्सपोर्ट करते हैं पैसा हमें मिलता है जो रिफाइनिंग जो रिफाइनरी होती है उन उनसे हम पैसा बनाते हैं तो आप समझ सकते हो वो इस तरीके से मतलब इसका पैसा हमें मिलता है और जो एक्सपोर्ट्स के मामले में दुनिया में नंबर वन कंट्री है वो चाइना है चाइना का लगभग तीन से साढ़े ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होता है दुनिया में इतना किसी का भी नहीं है तो आप समझ सकते हो दोस्तों चाइना कितना आगे बढ़ा है पिछले 20 सालों में मेरे हिसाब से इंडिया का 400 बिलियन डॉलर 2010 में होना चाहिए था और ये अभी हम हमें एटलीस्ट एटलीस्ट डेढ़ डेढ़ या दो इतना तो होना चाहिए था डेढ़ ट्रिलियन तक हमें पहुंचना चाहिए था आपको क्या लगता है मेरे हिसाब से ये नंबर हम अचीव कर सकते हैं अगले दस साल में हम एक से डेढ़ चुन तो या दो दो तक पहुंच सकते हैं आपको जो भी लगता है प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें और पाकिस्तान का ये रिएक्शन पाकिस्तान भी मतलब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि पाकिस्तान गेहूँ तक मतलब रशिया यूक्रेन से लेता है ये एक कृषि प्रधान देश है यहाँ पर जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब का सत्तर प्रतिशत जो तो यूनाइट पंजाब था उसका सत्तर प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था और अब इनकी ये कंडीशन है कि ये गेहूँ तक दूसरे देशों से ले रहे हैं तो समझ सकते हो दोस्तों अब सिचुएशन किस तरीके से इनका फोकस जिहाद इस्लाम फलाना ठिकाना इस चीज़ों पर था और अभी भी यहीं पर है अभी भी इनका माइंड वहीं पर है आप विश्वास माने इनका कोई माइंडसेट नहीं है कि ये कुछ आगे का सोच रहे हैं इनका कुछ नहीं है ये बस ब्रदर मुल्क हमारा ये कर देगा वो कर देगा वो ऐसी में ये बोल देगा बस यही चलता रहता है तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में अपनी राय दे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर